मैं एग्जामिनर हूँ, आई नो किसने ऑब्जेक्टिव देख लिया, इसने ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, उसने एक पार्ट में सारे 4-5 पॉइंट कवर कर लिए, डिस्कस कर दिए मैंने ऑब्जेक्टिव। अब मुझे मेजर्स टू अचीव देम करना है, तो इसकी मैं सेपरेट सबहेडिंग बनाऊंगी, पार्ट बी, मेजर्स टू अचीव पॉपुलेशन एजुकेशन। आई एम यूजिंग द सेम कीवर्ड्स, अगर मेजर्स है तो मेजर्स ही लिख रही हूँ, आई एम नॉट टेकिंग स्टेप्स इंडिया हैज टेकन। वो उसको आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क, इन्विजिलेटर बोल रहा है कि इसने स्टेप्स टेकन लिखा है, मेजर्स नहीं लिखा है, रिस्क ही नहीं लेना है। मैंने सेम कीवर्ड लिखा है जो क्वेश्चन में, मेजर्स टू अचीव पॉपुलेशन एजुकेशन, ठीक है। उसके अंदर वी हैव डिस्कस किया हमने क्या क्या किया है, हमने पॉलिसीज बनाई है, लॉज बनाए हैं, स्कीम्स बनाई हैं, हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, आशा वर्कर्स है, हमने एक यूएन पॉपुलेशन फंड के साथ हमने अग्रीमेंट किया है, तो ये सब मेजर्स आ गए इसके अंदर भी। इफ आई जस्ट राइट 1, 2, 3, इज दिस बेटर और इज दिस बेटर दैट वी हैव अ पॉलिसी, एंड देन आई राइट द पॉलिसी, 2 पॉलिसीज दैट वी हैव सम स्कीम्स, एंड देन आई राइट 2-3 स्कीम्स, देन आई से दैट वी हैव सम इंस्टीट्यूशंस और गवर्नेंस मेजर्स, सो आई वुड राइट गवर्नेंस मेजर्स एंड देन राइट 2-3। तो इससे क्या हो रहा है, द एग्जामिनर कैन स्ट्रेट अवे सी कि पॉलिसी कवर हो गया, स्कीम कवर हो गया, गवर्नेंस कवर हो गया, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कवर हो गए, SDG कवर हो गए, सब कुछ कवर हो गया। सो इफ आई एम एन इन्विजिलेटर एंड हैव टू अलॉट मार्क्स, मेरे पास फर्स्ट पार्ट इज आंसर क्लियरली दिख रहा है, फर्स्ट पार्ट आंसर हो, उसके अंदर 5 पॉइंट्स है, उसके अंदर भी सब पार्ट, यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स है, सब पार्ट है। यू एज एन इन्विजिलेटर जिसको बहुत सारी कॉपीज चेक करनी है, तुम बस अगर ये भी देख लोगे ना कि इसने पॉलिसी लिखी है, स्कीम लिखी है, गवर्नेंस लिखी है, सब कुछ तो लिख दिया, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लिख दिए, ट्रीटीज लिख दी, सब कुछ लिख दिया, देन यू आर बाउंड टू गिव मार्क्स।